एंड ये हमारा मफलर है, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, दिस इज स्पीडी सिंह एंड आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है, अगेन बहुत ज्यादा फन होने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि हमने एक CLA की वीडियो बनाई थी जिसमें हमने वाल्विट्रॉनिक एग्जॉस्ट इंस्टॉल करा था, ये आ रहा आई बटन, आप इसमें वाली वीडियो चेक कर सकते हो। तो उसी वीडियो को देखकर एक हमारे पास अब क्लाइंट आए हैं, ये है होंडा सिटी IVTEC ZX मॉडल, ऑटोमेटिक वेरियंट है ये, इसके अंदर अब हम वाल्विट्रॉनिक यूज करने वाले हैं। अभी जो फिलहाल हमने है ना मफलर उतार दिया हुआ है गाड़ी का, देखो ये रहा मफलर, ये है गाड़ी का मफलर और ये है इसका बोल्ट ऑन सिस्टम, ठीक है। अब हम इस कार के अंदर ना ज्यादा कुछ भी ऑल्टर नहीं करने वाले, जो बोल्ट ऑन सिस्टम है एज इट इज बोल्ट ऑन सिस्टम इस वाली गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। एग्जॉस्ट जो रहेगा कैसा है, उसकी फिनिश क्या है, क्या आवाज़ निकल कर आने वाली है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एंड एक बारी अब मैं पहले ना आपको आवाज़ सुनाता हूँ मफलर उतारने के बाद कैसी आवाज़ आ रही है गाड़ी की। पाजी एक मिनट हटो, तो ना क्या होता है जब आप एक सेकेंड, तो क्या होता है जब आप पेट्रोल गाड़ी लेते हो ना, NA अगर आपकी गाड़ी है, जब तक आप रेजोनेटर डिलीट नहीं करते तब तक आपको इतना साउंड मिलता रहेगा गाड़ी के अंदर से, बट एज सून एज यू डिलीट योर रेजोनेटर तो आवाज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लाउड हो जाती है। अब कस्टमर की चॉइस क्या थी, कस्टमर की चॉइस ये है कि हमें बेसी साउंड चाहिए, तो उस हिसाब से हमने उनको जो है वाल्विट्रॉनिक दिया है। देखो बिल्कुल बेसी तो नहीं होगी, हल्का फुल्का थोड़े क्रैकल्स वगैरह भी होंगे, बट वो ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब तीखी आवाज़ नहीं होगी, नॉर्मल सी आवाज़ होगी और बढ़िया आवाज़ होगी। एंड एक चीज़ और थी, उन्होंने कहा था कि हमें कार्बन फाइबर टिप चाहिए आगे, तो एग्जैक्टली सेम हमने आप जो एग्जॉस्ट है इसके अंदर अब इंस्टॉल करना है। अभी फिलहाल जो काम हो रहा है, हम उतार रहे हैं इसका रेजोनेटर। अब रेजोनेटर उतारने के बाद आपको इसकी आवाज़ सुनाऊंगा कैसी लगती है। इसके अंदर अब हम पाइप लगाने वाले हैं और कुछ नहीं करना। देखो कस्टम रेजोनेटर्स भी आते हैं, बट स्ट्रेट पाइप करेंगे ना तो थोड़ी ज़्यादा बेटर आवाज़ बनेगी, प्लस फ्री फ्लो बन जाएगा। इस सेटअप को हम बोलते हैं कैटबैक एग्जॉस्ट, ठीक है। हमने कैट चेंज नहीं करा, कैट के पीछे जितना सामान है वो सारा हम चेंज कर रहे हैं, सो यस इसी को कैटबैक एग्जॉस्ट बोलते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे वीडियो में देने वाले हैं, क्या है, कैसा है, कैसी आवाज़ निकल कर आएगी और क्या क्या फ़र्क पड़ता है, प्लस वील गो फॉर अ स्पिन एज वेल। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। मेक श्योर यू सब्सक्राइब, ये लाल वाला बटन दबा लो और साथ में घंटा भी दबा लेना, ठीक है। अब चलते हैं वर्कशॉप की तरफ और दिखाता हूँ और क्या क्या हो रहा है। ओके सो अभी जो हमारा वर्कशॉप में काम चल रहा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आसिफ है हमारे साथ, ही इज करंटली वर्किंग ऑन अ शेवरले क्रूज। ये गाड़ी हम फुल बॉडी पेंट कर रहे हैं और इस गाड़ी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इतना देसी पेंट है गाड़ी के ऊपर कोई कहने की हद नहीं। लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको, शायद आपको नज़र भी आ जाए। और ये देखो हमारा स्टाइल, कभी देखा आपने ऐसा, हम रेगुलेटर से पंखे कंट्रोल नहीं कर रहे, लाइट की ब्राइटनेस कंट्रोल कर रहे हैं, ये देखो ये है स्वैग एटस्फियर एक्स, ठीक है। हमारे पेंट की बात कर लेते हैं, ये देखो ये गाड़ी पे हो रखा है ऑलरेडी सारा पेंट, एंड माय गॉड क्या बेस बना हुआ है। ऐसे हाथ फेरोगे तो आपको सिर्फ वेव्स ही वेव्स नजर आएंगी और कुछ नजर नहीं आएगा, अगर हम ऐसे हाथ चला रहे हैं ओनली वेव्स। और उसके ऊपर इतनी ज्यादा पट्टी भरी हुई है कि बेचारी पट्टी भी क्रैक हो गई है, देखो येरी, ये देखो ये देखो, इवन आप नीचे भी देखोगे ना तो पेंट में कहीं फिनिशिंग ही नहीं है। तो एग्जैक्टली यही होता है जब आप किसी चीप मार्केट में जाके अपनी कार के ऊपर पेंट जॉब करवाते हो,
नींद आ रही है। तो यहाँ पर जो हमारा पाइप है वो पूरा निकल चुका है। उसके आगे जो है वहां पर आपका कैट कन्वर्टर होता है, उसके आगे, यहाँ पर इसके आगे आपका मफलर होता है, ये रहा। मतलब ये पूरा जो एग्जॉस्ट है ये ऐसा है। ऐसे ठीक है। उसके आगे आपका कैट कन्वर्टर होता है। तो दिस इज द कंप्लीट पाइपिंग एंड ये है हमारा रेजोनेटर। ये रेजोनेटर की जगह अब हम ये डाल रहे हैं। दिस इज SS304 स्टेनलेस स्टील होता है, सबसे फाइनेस्ट ग्रेडिंग होती है स्टील की। इसकी जगह हम ये डालेंगे यहाँ पर, इसको वेल्ड करेंगे एंड ये हमारा स्ट्रेट पाइप पीछे तक हो जाएगा फिर। तो स्ट्रेट पाइप एग्जॉस्ट होगा। आवाज आपको सुना देते हैं एक बार अभी कैसे आ रही है। सीधा आपकी आ रही है एक तरीके से स्ट्रेट पाइप। अगर हम रेजोनेटर डिलीट कर दे और इस वाले मफलर की जगह भी स्ट्रेट पाइप कर दे तो कॉन्टिन्यूसली ऐसी आवाज करता रहेगा। इसी के साथ में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, थोड़ा सा शोर भी आ रहा होगा पीछे तो उस चीज को माइंड मत करना। एंड जो हम वेल्डिंग करते हैं, देखो गैस वेल्डिंग से भी हमारे एग्जॉस्ट लग सकते हैं, बट हम जो वेल्डिंग करते हैं वो हम मिग वेल्डिंग करते हैं। इससे क्या होता है, जो वेल्डिंग की एक प्रिसीजन है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट आती है, फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ओके, सो ये है हमारा वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट रेमस। अब जैसे कि कस्टमर को चाहिए था कार्बन फाइबर फिनिश, यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर फिनिश मिल रही है। प्लस इसकी जो टिप है वो फ्लेमेबल टिप बोलते हैं, ऐसे रेनबो डिजाइन की टिप बोलते हैं। कार्बन फाइबर प्लस रेनबो टिप्स हैं ये। एंड ये हमारा मफलर है एंड ये जो हमारा एंड है, यहाँ से हमारा सीधा बोल्ट ऑन सिस्टम होगा। सिर्फ हमें यहाँ पर स्क्रूज टाइट करने हैं और इस चीज से हम ऊपर इसको टांग देंगे तो ये कहीं जाएगा नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा इसको लगाने का। प्लस ये जो पाइप लगी है, दिस इज ऑल्सो SS304, इसके ऊपर कोटिंग्स करी है, मतलब पेंट करा हुआ है ताकि इसको जंग ना लगे। स्टेनलेस स्टील को यूजुअली जंग नहीं लगता, बट अगेन एक प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है उसके ऊपर भी, इनकेस अगर कभी लग भी जाए तो ये चीज़ भी इससे रिफ्रेन हो जाती है अगर हम इसके ऊपर कोटिंग कर दें। तो सेम चीज़ हम उसे सो दिस इज डे टू एंड हमने जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीटली डन कर दी है। अब डे वन से डे टू पर क्यों आए, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको एक सरप्राइज भी दिखाने वाले हैं एंड वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होगा। वो अपनी i20 से ही रिलेटेड है, तो वो चीज मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ। एज वेल एज फीगो में भी कुछ दिखाएंगे, तो दोनों चीजें आगे दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंस्टॉलेशन की। तो रेमस का जो वेल्वेट्रॉनिक मैंने आपको दिखाया था वो हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया हुआ है। पहले ही मैं सारी इसकी डिस्क्रिप्शन आपको दे चुका हूँ। दिस इज कार्बन फाइबर प्लस रेनबो टच, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो इतना सा ही नजर आ रहा है। इसको हम और भी बाहर कर सकते हैं करना चाहे, बट आई गेस इतना ही ठीक है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब हम कभी गाड़ी बैक कर रहे होते हैं हमें थोड़ा सा आइडिया नहीं होता, तो सीधा टिप के अंदर जाके कुछ भी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लग सकता है। सो इट इज़ बेटर कि आप इसको पूरा लेवल्ड रखो तो ज़्यादा सही रहेगा। मॉड्यूल जो है वो हमने बूट में डाल दिया है, अब उधर से आ जाओ आप। एंड कस्टमर चाहते थे कि जो रिमोट है उसको परमानेंटली फिक्स कर दो, तो रिमोट हमने परमानेंटली यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अब हम करने लगे हैं गाड़ी स्टार्ट, ऑन है अभी जो एग्जॉस्ट है वो ऑन है, रेजोनेटर डिलीटेड है। दिस इज अ कैट बैक सेटअप बाय स्टीयरएक्स ऑटोमो। वेरी बेसी साउंड, वेरी बेसी। ऑफ कर देता हूँ, ऑफ।
आपने वेल्वेट्रॉनिक तो देख लिया है, अब बारी है i20 और फिगो की। फिगो में भी हमने दो तीन चीज़ें करवा ली हैं, प्लस i20 में भी हमने न्यू एडिशंस दो तीन करवा ली हैं। अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ, तो चलते हैं उधर वाली तरफ। हमारी जो कार्स हैं दोनों उधर खड़ी हैं। ये रही फिगो, फिगो के अंदर हमने स्पॉयलर ऐड कर लिया है, एज वेल एज हमने इस कार को मैप भी करवा दिया है। तो अगर आपको इसके ऊपर पूरी वीडियो चाहिए, नहीं कॉमेंट सेक्शन में फटाफट से कॉमेंट करो एंड कहो कि ये हमें इसके ऊपर पूरी वीडियो चाहिए और क्या क्या करा है इस गाड़ी के अंदर, वो उस वीडियो में दिखाएंगे आपको। बहुत सारा कुछ कर दिया इस कार के अंदर। i20 के अंदर स्ट्रेट पाइप एग्जॉस्ट कर दिया है, टिप्स हमारी आकरा पॉविक की लगी ही हुई थी तो इसको हमने कर दिया अब स्ट्रेट पाइप, एंड मेरी एक्सपेक्टेशन से ऊपर इसकी जो साउंड है वो आ रही है। अब मैं ये सुनाता हूँ आपको, एक मिनट रुक जाओ बस। अभी ये गाड़ी स्टार्ट है, मतलब अभी बिल्कुल साइलेंट है, एंड जैसे हम एक्सेलरेट करेंगे उसकी भी सुना देता हूँ अब। तो एज यू नो डीजल गाड़ी में इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, तो इसलिए आपको थोड़ा क्लोजली सुनना पड़ेगा, बट मैप करने के बाद बहुत अच्छी होगी आवाज़। तो हमने डाल दिए तीनों गाड़ियों में एग्जॉस्ट, एंड आपके पास डीजल गाड़ी है, आपके पास पेट्रोल गाड़ी है, आप पेट्रोल में वेल्वेट्रॉनिक करवाना चाहते हो या फिर कोई कस्टम मफलर डालना चाहते हो, रेजोनेटर डिलीट डी कैट एंड फ्रंट पर हमारे जो होते हैं हेडर्स लगते हैं, वो कुछ भी आप करवाना चाहते हो, तो यू कैन डेफिनेटली विजिट अस एट स्टीयरएक्स ऑटोमो। हम ये काम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तीनों गाड़ियों की फिटिंग देख लोगे ना तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, जो प्रोफेशनल फिटिंग हो सकती है वही हम करते हैं, एज वेल एज हम जितनी भी वेल्डिंग है वो सारी मिग वेल्डिंग करते हैं, गैस वेल्डिंग हम नहीं करते, जिसकी वजह से जो फिनिशिंग है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी आती है। अब मेरे दिमाग में ना एक कुराफात चल रही है बहुत बुरी, मेरा दिमाग ये कह रहा है कि एक बार गाड़ियाँ तीनों बाहर निकालते हैं और तीनों गाड़ियों के ना इकट्ठे एग्जॉस्ट ड्राइव करते हैं, मतलब हर एक एक गाड़ी में हर एक ड्राइवर हो एंड तीनों गाड़ियों को अलग से चिक चिलड़ा में जा देते हैं, ठीक है। तो वो करने लगे अब हम, एक बारी गाड़ियाँ निकालते हैं बाहर सारी। ओके सो पाजी की गाड़ी है जो हमने आपको अभी होंडा सिटी दिखाई है, पाजी अप्पा पता की करने लग गया, अप्पा तीनों गड्डियाँ बाहर कड्डन लग गया, तो तीनों गड्डियाँ ने एग्जॉस्ट कट्ठे रेव करने हैं, ठीक है, दादी मजा आएगा, ठीक है, तुसी गड्डी बाहर कड्डो। ओके सो आपने ये वाली वीडियो देखी होगी एंड आपने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करी होगी। तो यस हमने जो है होंडा सिटी के अंदर डाला था वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट रेमस का, साथ ही में हमने स्ट्रेट पाइप करा है अपनी i20 को, एंड जो डीजल वाली टॉड फिगो है उसको भी हमने स्ट्रेट पाइप करा है, रेजोनेटर उसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस, अगर आपको थोड़ी कार्स ऑल आउट करनी है तो आप डी कैट करवा सकते हो, साथ ही में अगर i20 अगर हम ऑल आउट करना चाहे तो उसमें रेजोनेटर डिलीट हो सकता है। तो आपने बहुत सारे आज ऑप्शंस देख लिए एग्जॉस्ट के, एंड आपको आइडिया लग गया होगा कि डीजल कार के अंदर आवाज कैसी आएगी, जो नेचुरली एस्पिरेटेड कार्स होती है उनमें कैसी आवाज आएगी, एंड वेल्वेट्रॉनिक ऑन एंड ऑफ करने पर कैसी आवाज आई। तो इन सब कार्स का मैं आपको बजट बता देता हूँ। जो वेल्वेट्रॉनिक हमने इंस्टॉल करा है होंडा सिटी के अंदर, दैट इज फॉर 23,000। प्राइजेस वेरी करते रहते हैं, एंड अगर हम बात करें i20 की तो उसके अंदर हमने स्ट्रेट पाइप करा है, उसकी जो कॉस्ट है विद टिप इज 10,000। थर्डली अगर हम बात करें फोर्ड फिगो की तो उसके अंदर जो स्ट्रेट पाइप करा हुआ है दैट इज ओनली फॉर 6,000, ठीक है। तो ये सारा सेटअप है एग्जॉस्ट का इन कार्स के अंदर। इंस्टॉलेशन चार्जेस आर एक्स्ट्रा एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर इंस्टॉलिंग एग्जॉस्ट। ये आ रहे मेरे नंबर्स, यहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वी आर लोकेटेड इन मोहाली चंडीगढ़। स्टीयरएक्स ऑटोमो हमारी फर्म का नेम है, गूगल पर आप सर्च कर सकते हो। सो विद दिस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर एज मच एज पॉसिबल, एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आवाज़ कैसी लगी। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, क्योंकि आपको फिर ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते। विद दिस मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन दिस इज स्पीडी सिंह विद स्टीयरएक्स ऑटोमो साइनिंग ऑफ।
पेगी, ठीक है ना, नॉमिनल कम भी हो जाएगा। नींद आ रही है। किधर गैल्वेट्रॉन में किधर आ गया? ये दिखाया था मैंने पहले, नहीं ना? बहुत कटेगी, बहुत चल जाएगी, ठीक है।